अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डिटरमिनेशन ऑफ सल्फर परसेंटेज इन कोल, कि कोल के अंदर हम सल्फर की परसेंटेज कैसे मालूम कर सकते हैं, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो कोल के अंदर सल्फर की परसेंटेज मालूम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक बाय बोम कैलोरीमीटर मेथड और दूसरा एस्का मेथड। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिटरमिनेशन ऑफ सल्फर परसेंटेज इन कोल बाय बोम कैलोरीमीटर मेथड। In the determination of sulfur, known quantity of coal is burned in bohm of bohm calorimeter in the current of oxygen. As a result, ash thus formed. The ash contains sulfur of coal in the form of sulfate. In lines में कहता है कि हम coal के अंदर sulfur की determination कर सकते हैं जब हम known मिकदार coal को जलाएं bohm calorimeter के bohm के अंदर oxygen की मौजूदगी में। इसके नतीजे में एश मतलब छाई बनेगी, इस एश के अंदर कोल का सल्फर होगा सल्फेट की फॉर्म में। अब हमारे पास बोम कैलोरीमीटर क्या होता है इसको देखते हैं। तो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है बोम कैलोरीमीटर की। तो इसमें मैंने जो आपके सामने लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील, तो ये एक्चुअल में बोम ही होता है। तो ये क्या होती है, बोम फर्स्ट लेयर होती है बोम कैलोरी मीटर की। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे लिखता है, एश इज देन एक्सट्रैक्टेड डिजॉल्व विद डाइल्यूट HCl एंड देन ट्रीटेड विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। इन लाइंस में कहता है, फिर जो आपके पास एश बनी है उसको उठा लेना है, HCl के अंदर डिसॉल्व करना है और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करना है। बेरियम क्लोराइड को जब सल्फेट ऑफ कोल के साथ ट्रीट करेंगे, इससे बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे। लिखता है, द प्रेसिपिटेट इज देन फिल्टर्ड वॉश्ड एंड हीटेड टू गेट कॉन्स्टेंट वेट। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन वॉशिंग हीटिंग एंड वेटिंग शुड बी डन केयरफुली। इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर की मदद से, फिर इस प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे और हीट करेंगे ताकि वॉशिंग से जो पानी प्रेसिपिटेट के अंदर एड हुआ है वो निकल जाए और एक कॉन्स्टेंट वेट आ जाए। कॉन्स्टेंट का मतलब यह है ताकि प्रेसिपिटेट पर फिल्ट्रेशन वॉशिंग हीटिंग ये सारा कुछ करने के बाद वेट में चेंज ना आए। और ये सारा कुछ करना है मतलब फिल्ट्रेशन वॉशिंग हीटिंग ये सारा कुछ करना है, लेकिन बहुत एहतियात और ध्यान से। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके पास कोई कोल थी, इस कोल को आपने बोम ऑफ बोम कैलोरीमीटर के अंदर रखा, इससे एश बनी, इस एश के अंदर सल्फर ऑफ कोल होगा सल्फेट की फॉर्म में जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है। फिर इस सल्फेट को हम ट्रीट करेंगे HCl और बेरियम क्लोराइड से, इस ट्रीटमेंट के रिजल्ट से प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बनेगी। इन प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर करेंगे, फिर वॉश करेंगे, फिर हीट करेंगे और बार बार इसका वेट करेंगे। बार बार का मतलब यह है कि इस एक्सपेरिमेंट को 3 या 4 मरतबा दोहराएंगे ताकि हमारे पास एक कांस्टेंट वेट आ जाए। तो अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है, लेट वेट ऑफ कोल सैंपल इक्वल टू एक्स ग्राम, कि जो आपने कोल शुरू में लिया था उसको हम मान के जा रहे हैं एक्स ग्राम। वेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट इक्वल टू वाई ग्राम। आगे लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ सल्फर इन कोल इक्वल टू सल्फर डिवाइडेड बाय बेरियम सल्फेट मल्टीप्लाई बाय वाई। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो कोल थी, क्योंकि आपने कोल के अंदर सल्फर को मालूम करना है इसीलिए लिखा है सल्फर डिवाइडेड बाय बेरियम सल्फेट। अगर आप बेरियम को मालूम करना चाहते हो तो ऊपर बेरियम लिख दो, नीचे बेरियम सल्फेट लिख दो। ऑक्सीजन को मालूम करना चाहते हो तो ऑक्सीजन को ऊपर लिख लो, नीचे बेरियम सल्फेट मल्टीप्लाई बाय वाई, इसी तरह होगा। हमारा मकसद सल्फर के साथ है इसीलिए हमने सल्फर लिखा है।
तो इसी तरह आगे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ सल्फर इन कोल इक्वल टू, अब जो सल्फर का मास कितना होता है 32, बेरियम सल्फेट का मास कितना होता है 233 मल्टीप्लाई बाय वाई। अभी हम अगर परसेंटेज की बात करें सल्फर की, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट ऑब्टेंड, के जो आपने कोल को ट्रीट किया था बेरियम क्लोराइड से, तो उससे बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बने थे वो जितनी अमाउंट में बने थे वो हम यहां पर लिख लेंगे। मल्टीप्लाई मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल जितना आप लोगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू, तो हमने जो वेट ऑफ बेरियम सल्फेट ऑब्टेन इसको मान के गए थे वाई ग्राम, तो यहां पर हमने वाई लिख लिया। मल्टीप्लाई मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32 हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय तो वेट ऑफ कोल सैंपल जो ओरिजिनल आपने लिए थे इसको आपने मान के गए थे एक्स, मल्टीप्लाई बाय बेरियम सल्फेट के जो मोलर मास होते हैं वो 233 होते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं लेट वेट ऑफ कोल सैंपल जो आपने लिया था कोल का सैंपल का वेट, वो लेट में मान के जा रहा हूं आपने 1000 ग्राम लिया, लेट मान के जा रहे हैं फिर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट जो आपके पास बन के आए, लेट में मान के जा रहा हूं वो 500 ग्राम आए। तो अभी इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी है, y प्रेसिपिटेट कितने बने, तो हमने हम मान के गए ये 500 ग्राम बने हैं, मल्टीप्लाई बाय 32 उसी तरह, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट कितना था 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 233 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट 0.3% आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो दूसरा मेथड है डिटरमिनेशन ऑफ सल्फर परसेंटेज इन कोल बाय टेस्का मेथड। तो लिखता है परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कोल कैन आल्सो बी डिटरमाइन बाय एस्का मेथड, इन दिस मेथड नोन क्वांटिटी ऑफ कोल इज टेकन एंड ट्रीटेड विद एस्का मिक्सचर। एस्का मिक्सचर क्या होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट इन 2:1 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। दिस मिक्सचर इज देन ट्रीटेड विद बेरियम क्लोराइड टू ऑब्टेन प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। द प्रेसिपिटेट इज देन फिल्टर्ड, वॉश्ड, हीटेड एंड वेट केयरफुली एंड एक्यूरेटली। अदर कैलकुलेशन ऑफ सल्फर इन द कोल इज सेम एज एक्सप्लेन अबाउट। इन लाइन में कहता है कि दूसरा तरीका जो सल्फर को मालूम करने का है कोल के अंदर, उसको हम एस्का मेथड बोलते हैं। इस मेथड के अंदर हम नॉन मिकदार कोल की ट्रीट करते हैं एस्का मिक्सचर के साथ 2:1 प्रोपोर्शन में। एस्का मिक्सचर का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, और इसमें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को डबल लेंगे एस कंपेयर टू सोडियम कार्बोनेट, और एस्का मिक्सचर को हम कोल के साथ हीट करेंगे ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो मिक्सचर आएगा उसको ट्रीट करेंगे हम बेरियम क्लोराइड के साथ, इससे प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बन जाएंगे। इन प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, हीट करेंगे और वेट केयरफुली एंड एक्यूरेटली करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने ऊपर वाले केस में किया था इस तरह से। तो कहता है आगे के और जो कैलकुलेशन आप करोगे वो बिल्कुल सेम है जैसे आपने ऊपर वाले मेथड में की थी। अब ये हुआ जो आपके पास एस्का मेथड है और बॉम कैलोरीमीटर मेथड है, इन दोनों की कैलकुलेशन सेम है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।